Hey Fit Fam, subscribe to the Body and Strength channel and also follow us on Instagram and you could get a chance to win these amazing products from My Fitness and Give On Nutrition. You also have to comment on this video. Hurry! Hi guys, welcome to the Little Black Dress LBD workout by me Priyanka. So it's day one. It's going to be a great day. बहुत बड़ा workout है आज का. Quads and calves करेंगे हम. ये सबसे favorite workout है मेरा actually. So since आज first day है, तो मैंने सुबह अपना weight किया है weight का और weight है 65.05 kg. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ऑलराइट, मेरा जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद जनरली मैं अपने सप्लीमेंट्स जो सुबह के हैं वो लेती हूँ. सो उसमें है गिबॉन का एल कार्नेटीन. ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है क्योंकि आपके रिकवरी को ये बहुत सपोर्ट करता है. सो जो सोरनेस होती है वर्कआउट के बाद वो रिड्यूस करता है, आपको एनर्जी मिलती है इससे और फैट लॉस को भी बहुत ही हेल्प होती है इससे. और नेक्स्ट जो मैं लेती हूँ वो गिबॉन की ओमेगा 3 है गुड फैट्स के लिए. बहुत प्योर क्वालिटी है इसकी और कोई ऐसे हैवी मेटल्स या कुछ इम्प्योरिटीज नहीं होते, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर इट. और लास्टली जो है जॉइंट हेल्थ के लिए गिबॉन की जो कैप्सूल लेती हूँ मैं. एंड दिस इज बेसिकली वेट ट्रेनिंग कर करके जो जॉइंट्स के लिए बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो वो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए जॉइंट हेल्थ की कैप्सूल लेते हैं. इसमें कोलाजन होता है, विटामिन D3 होता है, सो आई हाईली रिकमेंड दैट. सो या, सो माय डे हैज स्टार्टेड रियली वेल एंड आई एम एक्साइटेड टू डू दिस वर्कआउट एंड शो इट टू यू एंड होपफुली यू आर गोइंग टू डू इट विद मी. ओके, सो वी आर ऑन द वे टू द जिम. इट्स अबाउट 2:30 इन द आफ्टरनून, सो लेट्स गो. So I'm really excited. I've just reached the gym. We are at Remind Fitness in Mulund and it's an awesome space as you will see. बहुत ही बड़ी जिम है एंड अच्छी मशीन है यहाँ पे, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दिस वर्कआउट एंड या लेट्स सी हाउ इट गोस. कम ऑन इन. चुके हैं, वर्कआउट चालू होने वाला है, लेकिन वर्कआउट के पहले मुझे प्री वर्कआउट लेना है. क्यों? क्योंकि कभी कभी एनर्जी कम हो जाती है, अलर्टनेस कम हो जाता है एंड यू जस्ट नीड दैट लिटिल किक फॉर अ बिग वर्कआउट. सो व्हाट आई एम गोना टेक टुडे इज गिवन न्यूट्रिशन 11 10. सो दिस इज अ लवली फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर है, ब्लू रास्पबेरी, बहुत अनकॉमन है. So the main ingredients in this are beta-alanine, taurine, caffeine, you have betaine and L-tyrosine. So it's going to kick in and I'm going to have a workout and start flying in a bit. Okay, so let's go on. That really tastes like fresh raspberry or like candy. It tastes amazing. I love this flavor and it's got such good ingredients, so I'm very kicked about it. It just gives that punch which you need before a heavy workout. So it's day one. ये LBD workout क्यों है? क्योंकि जो females हैं already थोड़े time से weight room में lifting कर चुकी हैं, उन्हें अच्छे से जो बॉडी बनानी है ब्लैक ड्रेस में सेक्सी लगता है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है, राइट? सो हमने ऑलरेडी प्री वर्कआउट ले चुके हैं. इट्स वॉकिंग, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है ऑलरेडी, सो आई एम रेडी टू स्टार्ट द वर्कआउट. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स टुडे. सो कंपाउंड मूवमेंट्स आर गोइंग टू गिव यू मोर बैंग फॉर योर बक. तो इसमें हम तीन चीज़ें फोकस करेंगे. एक तो है मैकेनिकल टेंशन, मेटाबॉलिक स्ट्रेस और मसल डैमेज. ये तीन चीज़ें हम फोकस करेंगे. कैसे हम रेप रेंज अलग अलग यूज़ करने वाले हैं, डिफरेंट एंगल से मसल को हिट करेंगे,
ठीक है, और एक्सरसाइजेस भी फोकस रहेगी क्वाड्स और क्राफ्ट में। ओके गाइस, तो क्वाड के बारे में बात करते हैं। क्वाड मतलब फोर, इसका मतलब है यहाँ पे चार मसल्स हैं आपके थाई के फ्रंट साइड पे। दूसरा मसल जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो काफ मसल है, इसमें दो मसल है, एक तो है गैस्ट्रोनियमस, इसके नीचे एक लंबा सा फ्लैट मसल होता है सोलियस मसल, ठीक है। ये मसल जो है आपके नी जॉइंट को क्रॉस करते हैं और एंकल जॉइंट दोनों, तो इसको भी हम आज वर्कआउट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आज के वर्कआउट को हम स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज करेंगे आपकी एलिवेटेड हाई बार स्क्वाट्स। वी आर गोइंग टू डू फोर सेट्स अबाउट 10 रेप्स ईच, देन वी मूव ऑन टू फ्रंट लेग एलिवेटेड लंज, 3 सेट्स 10 टू 12 रेप्स ऑन ईच लेग, देन वी विल मूव ऑन टू लेग प्रेस। लेग प्रेस करेंगे अगेन 3 सेट्स अबाउट 10 रेप्स। Last exercise for your quads is going to be leg extension, 1.5 rep for more time under tension for the muscle, 3 sets about 10 reps over there. Lastly, calf ke liye we will do calf presses on the leg press machine, 3 sets high reps over here, about 15 per set, and then lastly seated calf raises, wahan pe bhi hum karenge 3 sets about 15 repetitions. So let's get started. Come on. तीन सेट्स हो चुके हैं, जस्ट हैव वन लास्ट सेट टू गो एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट अप फ्रंट लेग एलिवेटेड लंजेस, इसमें जो फ्रंट में लेग होता है उसको थोड़ा एलिवेट करें। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लेटफॉर्म राइट हियर, सो रिमेंबर दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल लंजेस, इसमें आपका वेट आगे और पीछे जाएगा। सो आई डेमोन्स्ट्रेट दैट इन जस्ट अ लिटिल बिट। सो यू वांट द नी टू ट्रैवल फार, ओके, नी को जितना ज्यादा आगे पुश कर सकते हैं विदाउट योर हील लिफ्टिंग ऑफ, वी गोना ट्राई दैट। लेट्स गो, वी गोना डू 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस ऑन ईच। इज नॉट guys for this, remember if you want to progress you can
get a couple of dumbbells, add a little bit more resistance, but range पे compromise मत कीजिए. अगर आप पूरा range नहीं ले रहे तो front leg को elevate करने का कोई मतलब नहीं है. So remember that. Okay guys, next exercise leg press. तो इसमें थोड़ी चीजें ध्यान में रखी है quads के लिए है. Keep your legs low and narrow on the platform. ठीक है, जब आप ये exercise कर रहे हैं तो don't let your butt lift off the seat. Second thing is, ये जो back rest है, अगर आप वो ज़्यादा पीछे लेंगे, you get more range for your legs. Alright? So ये हम tempo में करने वाले हैं. So coming down, that is your eccentric is 3 counts, and then pushing is 1. So it's slow, 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 and then push for 1 count. Let's go. Alright guys, next up, last exercise for your quads, right? Leg extensions. ये हम थोड़ा अलग technique से करेंगे. So we're going to do 1.5 reps. I'm going to show you. Which means that जो shortened position है top में, वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा time spend करेंगे. Because leg extension is the only exercise which is going to load your quads in the contracted position. Alright, at the top. So we're going to do 3 sets, aim about 10 to 12 reps. Let's go. So we go all the way, lift down, up. That's one rep. Okay guys, quads done. So we're doing calf presses, ठीक है? इसलिए जितना अपने leg press में weight है उतना जरूरत नहीं है, so we have to make it less. So मैं वही कर रही हूँ. Balls of your feet वही platform पे रहने वाले हैं, ठीक है? So I'm just going to position my feet and weight को release कर लिया. Knees को soft रखिए, don't fully lock out the knees. About pressing the weight forward. जनरली लोग बहुत बाउंसिंग मूवमेंट करते हैं, दे ट्राई टू फिनिश द एक्सरसाइज वेरी क्विकली. दैट्स नो गुड. टेक योर टाइम विद इट, गेट गुड रेंज, गो लिटिल स्लो. द मसल इज अंडर टेंशन, ज़्यादा टाइम के लिए उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, विच इज गुड फॉर अस. ओके गाइज, सो सीटेड काफ रेजेस. इसमें भी आप ध्यान रखें कि आप वेट को बाउंस नहीं कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू द रॉन्ग वे. So generally, I see a lot of this, okay? You want to avoid that and get a full stretch at the bottom, full contraction on the top. So more muscle time under tension is also important. If you want to know what torture is. Alright, finally guys, बहुत अच्छा workout रहा. It was amazing. कल तो feel होने वाला है मेरे legs में, but I'm going to end this with taking my whey protein. So very very important आपकी recovery के लिए, not only for your muscles, लेकिन जो body में hormones, enzymes होते हैं, आपकी skin, hair, nails, उसके लिए protein की जरूरत पड़ती है. So since I work out, मेरी जरूरत ज़्यादा है, so I supplement with the whey protein from Hibon.
So this is a blend. So it's a blend of concentrate and ice cream. Alright guys, ye chocolate flavor is one of our favorites. Who doesn't like chocolate, right? Here we go. Hey guys, I hope you enjoyed the workout today. मुझे तो बहुत ही मजा आया करने के लिए. So please try it on your next leg day. If you want to get in touch with me, मेरा Instagram handle है coach.priyanka. Just get in touch if you have anything to ask. Alright. So I will see you tomorrow on day 2 of the LPD workout on bodyandstrength.com. Ciao. Yeah, the workout was great, but so when I was coming home, I was climbing up the steps with a lot of things that I had to carry, और वो इतना सारा सामान carry करते करते मेरे जो left leg है, quads incidentally, उसमें थोड़ा pull आ गया. I don't know what happened. फिलहाल तो इतना दर्द नहीं कर रहा है. आई एम होपिंग दैट इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग और इससे मेरे जो परफॉर्मेंस है ये हफ्ते में उसमें कोई दिक्कत नहीं आए. सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड या टुमारो इज़ अ न्यू डे अपर बॉडी. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज यूजुअल. लेट्स सी व्हाट डे 2 ब्रिंग्स एंड I will see you back on bodyandstrength.com on my little black dress workout update. Ciao!